ईडी के एक्शन के विरोध में कांग्रेस की रणनीति, संसद में कांग्रेस की अहम बैठक, लोकसभा व राज्यसभा सांसदों की महत्वपूर्ण रणनीतिक मीटिंग, कांग्रेस ने संसद में दिया स्थगन प्रस्ताव। तो कांग्रेस ने संसद में दिया है स्थगन प्रस्ताव, सांसदों की महत्वपूर्ण रणनीतिक मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग, और इस मीटिंग के माध्यम से ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के चर्चा की गई और साथ ही आगे क्या रणनीति अपनाई जाए इसको लेकर के चर्चा की गई। तो वहीं कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग जो बुलाई गई, कांग्रेसी सांसदों की ये मीटिंग रही, लोकसभा के सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, तो वहीं राज्यसभा के सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण कि आगे और क्या कुछ खास रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहती है, क्योंकि लगातार इस मसले को लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन भी जताया गया, पर अब जब यंग इंडिया का ऑफिस सील हुआ है तो एक बार फिर से ये पूरा मसला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन भी चल रहा है, चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस ने जो संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है इसके बाद और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई आगे रहती है और क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई जाती है, क्या हंगामा और भी बरपेगा। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद के बाहर दिल्ली पुलिस तैनाती और ईडी द्वारा यंग इंडिया के ऑफिस को सील किए जाने के मुद्दे को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई। पार्टी में इन दोनों ही मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। इसी पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई और जिस तरीके से अटकलें भी लगाई जा रही थी कि कांग्रेस इन मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, तो ऐसा ही हुआ है। तो कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव इसको लेकर के दिया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले संसद के दोनों सदनों में बुधवार को नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे के बाद कांग्रेस ने ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। वहीं बुधवार शाम को कांग्रेस मुख्यालय और सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के बाहर के आसपास अचानक पुलिस की तैनाती बढ़ गई थी। कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उनके मुख्यालय से जुड़े मार्ग को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ऐसी सूचना मिली थी कि कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया ताकि कोई अवांछित परिस्थिति न पैदा हो। आज इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हो सकता है। तो आपको बता दें ये मुद्दा अब जो लगातार गर्माता जा रहा है, इस मुद्दे को लगातार लेकर के रोष भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जताया जा रहा है। तो वहीं अब स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है। तो ये बैठक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट ये बैठक मानी जा रही थी ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई कार्रवाई को लेकर ये बैठक बुलाई गई। अब कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इस बैठक के दौरान चर्चा की, मंत्रणा की कि आगे क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या कुछ एक्शन इस पूरे मसले को लेकर लिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा कि जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही थी, राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी, तो उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा सड़कों पर बरपा था। काफ़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंचे थे, बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे थे, उनके द्वारा प्रदर्शन को लेकर के, विरोध को लेकर के रणनीति बनाई गई थी और साथ ही संयुक्त विपक्ष का साझा बयान भी सामने आया था। जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही थी किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अब इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए ये जो पूरी बैठक रही इसमें इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई कि अब आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी, तो वहीं कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव भी दिया है, अब आगे क्या इम्पैक्ट इसका नजर आने वाला है? बिल्कुल, देखिए अब ये जो मसला है ईडी का वो कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी के रूप में आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने ये तय किया था कि वो जनहित के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, और वहीं जब ईडी ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, उसके बाद जून में राहुल गांधी, जुलाई में सोनिया गांधी, सबसे पूछताछ करी और फिर भी कोई मिसिंग लिंक मिले, उसके बाद छापेमारी हुई और सीज कर दिया गया। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होने से पहले एक बार फिर एक राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग फिर होगी, या तो राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से, और वो मिसिंग लिंक, मिसिंग डॉक्यूमेंट को
पता करने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें नजर आ रहा है, तो फिर समन दिया जाएगा। इसके इतर कांग्रेस एक तरफ कल यानी 5 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रही है, जिसमें पद यात्रा करेगी, आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, प्रधानमंत्री के आवास पर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आज जब कांग्रेस के सभी सांसदों की बैठक हुई तो गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार हुआ कि कांग्रेस के सांसद ने स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा को, पार्टी को जबरन जो प्रेशर किया जा रहा है, ईडी का दबाव दिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को उठा रही है और बीजेपी डर गई है, और ऐसे में अब आज कांग्रेस ने संसद में स्थगन का प्रस्ताव दिया है कि इस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसे काम नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर संबित पात्रा ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में ईडी के मुद्दे पर यह कहा, संबित पात्रा बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का व्यवहार पूरे देश देख रहा है, अगर कुछ किया नहीं है तो डरने की बात कैसे है, मतलब एक ही है कि परिवार को बचाना है। अब यहाँ पर बीजेपी, जहाँ एक तरफ कांग्रेस प्राइस राइज और तमाम चीजों के लिए बीजेपी को सरकार को बैकफुट पे लाना चाहती है, तो अब बीजेपी कह रही है कि कल जो व्यवहार हुआ, कल अगर बिल्कुल अदिति अब देखना यही महत्वपूर्ण है कि जो रणनीति बनाई गई है, जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, तो इसको लेकर के आगे क्या रणनीति रहती है कांग्रेस पार्टी की और कितना हंगामा सदन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते